गांव के मुखिया है जो अपना मुंह देख देख के काम करता है, हमको आवेदन लेके बुड़बक बनाया, को बेटा भी नहीं पूछता है ना, मर्दानो छोड़ दिया हमको 3 बरस से, अब पैसा न देता है, बेटा शादी किया था हम पर गुरी रख ले, तो हम तो अपना फर्ज निभाए कि बेटा दूसरा जाति में किया भाई, तो खैला दे रहा था, नौकरी हो गया उसको छोटका कितना दे रहा था, हम घर में करे दिए शादी, अब नौकरी लगला के बाद कहता है कि घर लिख देगा, हमारा नाम से घर है 10 कट्ठा जमीन है, तो कहता है कि अब लिख देगा तो हम तुमको खाना देंगे ना तो ना देंगे, औरत जो कहता है जो सुनता है, साल भर जो गल्ला मिलता था ना तो 4 महीना वो रोक लेता था गल्ला, डीलर क्या नाम है, डीलर और शंकर डीलर, और 4 महीना के खा जाता था, तो इसीलिए उस पर कंप्लेन कर देती है जिला में आपूर्ति पदाधिकारी, और वो फोन करके एमओ ही कह दिए, एमओ वीडियो दोनों मिलकर आए थे तो गल्ला उस समय दिलाए, उसी समय वो हमको घर पर जाके धिराया था, कहा था कि तुमको नाम कटवा देंगे, आज तक वो हमसे दुश्मनगिरी ले रहा है, मुखिया जी गांव के है जे उसको वोट नहीं दिए तो उजैना से विधवा ले चार गो पट्टा रख ले, और करता है काम अपना मुंह देख देख के अपना अपना आदमी के, और हम कहें करे तो हमको ले लिया, कहा कि फॉर्म भर के दो जीविका थ्रू हम करवा देंगे, और तक का रहते रह गया, 4-5 गो फोटो लिया हमसे, आवेदनों लिया 2010 में वो चढ़ा था, 1 साल मिला था, हो गया कितना साल हो गया, 10-11 साल हो गया, हाँ 10-11 साल से गल्ला नहीं मिला। पाम व्यू हॉस्पिटल पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है, इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। आए हैं क्या मुद्दा बताइए? हम आए हैं माधोपुरी से, थाना चंडी से आए हैं, जिला कौन सा है? नालंदा जिला से आए हैं, तो गाँव के मुखिया है जो अपना मुँह देख देख के काम करता है, हमको आवेदन लेके बुड़बक बनाया की करा देंगे कोरोना में, भरो फार्म, तो भरवाया, फोटो भी लिया, आधार कार्ड लिया, बीपीएल में गल्ला लगी, 1 साल गल्ला मिला था, नीतीश जीते हैं वही साल 2010 में बना था, मनु राशन, हाँ तो साल भर मिला था, उसके बाद फिर कटवा दिए ललका कार्ड कटा दिए, उसके बाद फिर फॉर्म भरे 2018 में निकला था सीओ ब्लॉक से, तो भरे थे तो उस पर सबके आया, हमको वाला आया था, मगर उसको नंबर निकाल करके देने गए तो कहता कि नहीं इस पर नहीं कार्ड मिलेगा तब देंगे, ऐसा बोला डीलर कहेला हमारा से दुश्मनगिरी के लिए है कि साल भर जो गल्ला मिलता था ना तो 4 महीना वो रोक लेता था गल्ला, डीलर क्या नाम है, डीलर और शंकर डीलर, और 4 महीना के खा जाता था, तो इसीलिए उस पर कंप्लेन कर देती है जिला में आपूर्ति पदाधिकारी, और वो फोन करके एमओ ही कह दिए, एमओ वीडियो दोनों मिलकर आए थे तो गल्ला उस समय दिलाए, उसी समय वो हमको घर पर जाके धिराया था, कहा था कि तुमको नाम कटवा देंगे, आज तक वो हमसे दुश्मनगिरी ले रहा है, वो हमको नंबर पर ना आधार कार्ड पर हमको आज तक गल्ला नहीं दिया, मगर सब क्यों दिया आधार कार्ड पर नंबर पर दिया, कार्ड हमको कहा कार्ड मिलेगा तब देंगे, मगर फिर नाम अवल कैसे कट गया, मतलब हमको कटवा देता है जानबूझ के, कटवा देता है, इसमें आपूर्ति पदाधिकारी भी मिलल है, वो भी कहता है लेडी के काम ना करेंगे जिला से, अब मुखिया जी गांव के है जे उसको वोट नहीं दिए तो उजैना से विधवा ले चार गो पट्टा रख ले, और करता है काम अपना मुंह देख देख के अपना अपना आदमी के, और हम कहें करे तो हमको ले लिया, कहा कि फॉर्म भर के दो जीविका थ्रू हम करवा देंगे, और तक का रहते रह गया, 4-5 गो फोटो लिया हमसे, आवेदनों लिया, वार्ड वाला भी लिया कि कोरोना में हम दिलवाएंगे तुमको हम गल्ला, वो भी हमको रख लिया, ऐसी कागज ना दिया आज तक, तो हमारे यहाँ के हम बेवास होके यहाँ आते हैं, अंतिम बार आए हैं, अब तो हमको चलने फिरने से कभी कभी हमको राशन नहीं मिल रहा, हमको 2010 में वो चढ़ा था, 1 साल मिला था, हो गया कितना साल हो गया, 10-11 साल हो गया, हाँ 11 साल 10-11 साल से गल्ला नहीं मिल रहा है, ललका राशन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, ललका जो काटा है जहिया से नहीं है मेरा, उस पर क्लेम किए डीलरवा पर, जहिया से नहीं दे रहा है, दुश्मनगिरी कर रहा है, हाँ वो जान बुझ के हमको अवल नंबर वा के का करता है, कैसे कैसे वो जब हमको टिप्पा एक बार आ जाता है तो टिप्पा कैसे कट जाता है उसमें, तो टिप्पा कहता है कट गया, उलझुल आते रहता है कि कट गया, अब नाम तुमको कभी चढ़ेगा ना, अकेले रहते हैं इसी, हम गिर जाते हैं खटिया पर, ऐसी ही कोई चीज हो जाता है बीमारी, इसी पीठ कड़क जाता है, चाहे कमजोरी देखिए हम कमजोर, पहले शरीर हमको आउट था पूरा, तो हमको बेटा भी नहीं पूछता है ना, मर्दानो छोड़ दिया हमको 3 बरस से, अब पैसा न देता है, बेटा शादी किया था हम पर गुरी रख ले, तो हम तो अपना फर्ज निभाए कि बेटा दूसरा जाति में किया भाई, तो खैला दे रहा था, नौकरी हो गया उसको छोटका कितना दे रहा था, हम घर में करे दिए शादी, अब नौकरी लगला के बाद कहता है कि घर लिख देगा, हमारा नाम से घर है 10 कट्ठा जमीन है, तो कहता है कि अब लिख देगा तो हम तुमको खाना देंगे ना तो ना देंगे, औरत जो कहता है जो सुनता है, मतलब औरत के बाद पर बेटा भी छोड़ दिया हमको, दोनों बेटा, एक बेटा का किया जाति में शादी, तो
चुपके चोरी से किया उसको माए बाप लड़की के ले जा करके, तो पर भी हम लड़की के रखे हैं। आया था चार दिन रहा और नरेटी चिपना दोनों चिपेला बैठ गया माथा तर, कहा कि खेत घर बेच के कुले चलो दिल्ली रहे, कुल बेच दो। अब आज तक है वो बाल बच्चा उसको होने नहीं दिया, उसको सास ससुर कुल कमाई खा रहा है बेटा के, हमको सब कमाई खा रहा है ले रहा है 10 बरस से, हमको बेटा के हमको हमको पच में नहीं आने देता है, ना पुतों के आने देता है, नहीं हमको बेटा नहीं देखता है, हमको बेटा दिल्ली में सब रहता है, हम अकेले रहते हैं जी। ऐसे गिर गए खटिया पर, ऐसे एकदम गिरल थे, एकदम उठ नहीं हो रहा था हमको, तो कोई बिहार से स्टोन बाबू के फोन नंबर था तो उनको बुलाए, वो बेचारा काम छोड़ कर आए और वही पीठ उठ सेके हमको सुई दिलाए, डॉक्टर के बुला के तब उठे हम, हमको ऐसा ऐसा हमको साथ बिकता है देंगे, तो हम वही चाह रहे थे कि हमको चपरासी में कर देते, गला उला हमको दिलवाते कुछ, हमको अखनी हमको पैसा रहता था किसी को रखते ना हम भी रखते, हमको सेवा करता, हमको वो पैसा हमको रहता हमको पास था, हमको पैसा के लोभ से हमको कोई सेवा करता किसी को देकर करवाते हम भी रहते, हमको आज पैसा नहीं है सब ढकेल दिया, हमको मर्दाना ढकेल दिया, अब बुढ़ापा का समय आ रहा है तब ढकेल दिया बेटा मर्दाना सब ढकेल दिया। राशन नहीं मिल रहा है इनको और पिछले 10 साल से 11 साल के से बीत जाने के बाद भी इनको राशन नहीं मिल पा रहा है, इसी राशन कंप्लेन लेकर ये नीतीश कुमार के पास पहुँचे। ठीक है।